मेरठ ब्रह्मपुरी वार्ड 43 से कांग्रेस पार्षद सारिका रंजन शर्मा गुरुवार को एसएसपी दफ्तर पहुंची और चुनावी रंजिश में पति रंजन शर्मा के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पार्षद सारिका रंजन शर्मा ने बताया कि उनका पड़ोसी शिवम गुप्ता पार्षद के चुनाव में उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन चुनाव में सारिका रंजन शर्मा ने जीत हासिल की। इसके बाद से शिवम गुप्ता उनसे रंजिश रखने लगा और आते जाते उन्हें व उनके परिवार को परेशान करने लगा। कभी गाली गलौज तो कभी पीड़िता के पति रंजन शर्मा के साथ किसी न किसी बात को लेकर मारपीट करता है, जिससे तंग आकर गुरुवार को कांग्रेस पार्षद सारिका रंजन शर्मा ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। ये कि जो मेरे अपोजिट शिवम गुप्ता चुनाव लड़े थे, जिस दिन से भी चुनाव हमारा मैं जीती हूँ उस दिन से ही वो चुनावी रंजिश कर रहे हैं मुझसे। आते जाते आप शब्द बोलते हैं, गलत टिप्पणियाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरे पति के साथ भी उस दिन भी वो कुछ इसी तरीके की अश्लील हरकतें कर रहे थे। तो हम लोग आके बोलते हैं हमें, लेकिन कि आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, हम फिर भी कुछ नहीं कहते। उस दिन भी बदतमीजी करी उन्होंने, धक्का मुक्की करी, मेरे साथ भी बदतमीजी करी। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव करा, समाधान कराने की कोशिश करी। हमने हमारी तरफ से भी तहरीर दी गई और उनकी तरफ से भी तहरीर दी गई, लेकिन मुकदमा उनकी सत्ता के दबाव में आके उनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारे तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं एसएसपी साहब से सिर्फ यही गुहार लगाने आई हूँ कि हमारी तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो ये उन्होंने लूट का झूठा मुकदमा मेरे पति पे लगाया है, ये बिल्कुल गलत है। और बिना जांच के, बिना किसी की पूछताछ के ये मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया गया है?